नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने तबले से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपकी फरमाइश पर आपने 2-3 गज़लें मुझे ऐसे बताई थी, मैसेज किए थे बहुत सारे दोस्तों ने भी। तो 2-3 गज़लें कौन सी मैं बोल रहा हूँ, तो वो आपको मैं सारी वीडियो में बताऊंगा कि ये जो 2-3 गज़लें हैं बहुत ही ज़्यादा जो फेमस है, इनमें कौन से कहरवा के वेरिएशन लगाए हुए हैं और कैसे हम इनको बजाएं, इनके बोल क्या हैं। तो आज मैं आपको 2 गज़लें ऐसी बताने वाला हूँ जो बहुत ही फेमस है, और उसमें कौन कौन से वेरिएशन, कौन सी ताल के वेरिएशन लगे हुए हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो गज़ल है वो है हम तेरे शहर में आए हैं। तो उसमें कौन सा वेरिएशन हम कहरवा का लगाया हुआ है और उसको हमने कैसे बजाना है, कौन कौन से वेरिएशन लगे हैं। तो देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि सर हमें इजी से ऐसे वेरिएशन बता दें जो हम बड़ी आसानी से इस गज़ल के साथ बजा लें। तो देखिए, इस गज़ल के साथ जो वेरिएशन हम तेरे शहर में आए हैं, इसके साथ जो लगा हुआ है वो पहले मैं आपको बजा कर दिखा रहा हूँ, फिर इसके आपको बोल मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो देखिए, पहले मैं बजा कर आपको बता रहा हूँ कि कौन सा वेरिएशन है। तो देखिए, इसके बोल हैं धी धा धी धा ती धा धी धा धी धा धी धा ती धा धी धा धी धा धी धा ती धा धी धा। तो इस वेरिएशन को अगर आप बहुत ही अच्छे ढंग से सीखना चाहते हैं तो इस अकेले वेरिएशन के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि ये वेरिएशन आप कैसे बजाएं, वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। पर इसमें वीडियो में बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर हमें बहुत सारी वीडियोस नहीं मिलती, तो आप कहरवा वाली वीडियो में जाएं, कहरवा वाले प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी सारे वेरिएशन की। तो ये जो वेरिएशन मैं बजा रहा हूँ इसके बोल अगर आप लिखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख कर लिख सकते हैं। तो बोल है धी धा धी धा ती धा धी धा धी धा धी धा ती धा धी धा। तो ये बोल है इसको, फिर इसको आपने स्पीड के साथ बजाना है और गजल के साथ मिला लेना है। देखिए, ये आप फिर बड़ी आसानी से ये वेरिएशन बजा सकते हैं। तो इसी जो गजल में है एक और आप वेरिएशन बहुत सुंदर लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान वेरिएशन है जो आप इस गजल में बजा सकते हैं और बहुत ही इजी है, इसमें आपको ज्यादा कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है अगर आप वो वीडियो देख लेंगे जिसमें मैंने डिटेल में इस वेरिएशन के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसी गजल में जो दूसरा वेरिएशन आप लगा सकते हैं वो बहुत ही आसान है, तो जिसको डबल वेरिएशन भी बोल सकते हैं, डबल स्पीड वाला। तो बहुत सारे दोस्त इसको डबल स्पीड वाला वेरिएशन भी बोल रहे थे, तो वो कैसे आपने लगाना है। एक दोस्त ने मुझे वीडियो भी सेंड की थी जिसमें कहा था कि सर इस वेरिएशन के बोल बताए जाए। तो देखिए, इसके साथ वो दूसरा वेरिएशन आपने कैसे जोड़ना है, देखिए धी धा धी धा ती धा धी धा। अब मैं इस वेरिएशन के साथ ही दूसरा वेरिएशन जोड़ रहा हूं, देखिए। वेरिएशन के बारे में मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया है, तो इसलिए इस वेरिएशन के बारे में मैं डिटेल में इसी वीडियो में बता रहा हूं। तो देखिए इसके बोल है धा धुन धाधा धुन धा तुन ताता तेट। तो ये भी आप लगा सकते हैं, तो या जो मैं और बोल बता रहा हूं आपको वो भी आप लगा सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप लगा लेना। देखिए, तो पहले तो आप ये लगा सकते हैं धा धुन धा धुन धा तुन ताता तेट। तो धुन कैसे बजाना, देखिए धू न, जो न है आपका वो यहां पर
बजेगा थर्ड फिंगर के। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, इस बोल के बारे में, तुन बोल या तीन बोल, इसके बारे में। ये तीन बोल है और तुन, ये मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। तो बजाना कैसे है, ये वाला धुन आपने बजाना है, दा धुन दा धुन दा धुन ता ता तिट ता ता तिट, तिट उल्टा है इसमें, तिट तिट, दा धुन दा धुन दा धुन ता ता तिट, दा धुन दा धुन दा धुन ता ता तिट। तो ये वेरिएशन आपने लगाना है। अगर ये वेरिएशन नहीं बज रहा है तो मैं आपको दूसरा वेरिएशन बता रहा हूँ, देखिए। तो इसके बोल है दा दिट दा दिट दा दिट दा ता दिट दा दिट दा दिट दा दिट दा ता दिट। इसमें धिट जो है और तिट जो भी है वो उल्टा है, यानी कि तिट और धिट जो बज रहा है वो उल्टा बजाना है आपने, वो सीधा नहीं है, उल्टा है। तिट दा दिट दा दिट दा तिट ता ता तिट। तो इसको ऐसे भी बजा सकते हैं आप, दा दिट दा दिट दा तिट ता ता तिट। तो ये आप बजा सकते हैं, ये दोनों स्टाइल आप बजा सकते हैं। तो बड़ी आसानी से इसको फिर फर्स्ट वेरिएशन के साथ जोड़ दीजिए, देखिए। अब देखिए मैं यहां पर दोनों वेरिएशन, सॉरी मैं रोक रहा हूं, दोनों वेरिएशन मैं लगाने वाला हूं। तो देखिए, लास्ट में आप ये तिहाई भी लगा सकते हैं, ता ता तिट धा ता ता तिट धा ता ता तिट धा। तो इसके बारे में भी मैंने एक वेरिएशन में बताया हुआ है, कहरवा वेरिएशन के बारे में। तो देखिए, ये आप हम तेरे शहर में आए हैं, ये आप तीनों वेरिएशन बड़ी आसानी से बजा सकते हैं। तो ये गजल आप बड़ी आसानी से फिर इसके साथ तबला बड़ी आसानी से बजा लेंगे, ये वेरिएशन का आप अच्छे ढंग से रियाज कर ले। अब दूसरी जो गजल है तो वो है फांसले ऐसे ना होते। तो ये जो फांसले ऐसे ना होते, ये वाली जो गजल है, इसमें रूपक ताल का जो वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशन जुड़े हुए हैं, पर आपने क्या करना है। तो देखिए, अगर तो आप सिंपल यानी कि शुद्ध बोल भी अगर रूपक ताल के इसमें लगा लेंगे तो वो भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो पहले तो शुद्ध बोलों का आप रूपक के बोलों का रियाज कीजिए, और फिर थोड़े थोड़े धीरे धीरे आप जो वेरिएशन है वो चेंज करते जाएं। और बहुत सारे वेरिएशन मैंने अपने रूपक ताल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, उसमें वेरिएशन बताए हुए, बहुत ही आसान वेरिएशन है, वो आप बड़ी आसानी से बजा सकते हैं। तो इसमें मैं बजाकर आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारे वेरिएशन, 4-5 वेरिएशन आपको बहुत ही इजी मैं आपको बजाकर दिखा रहा हूं। तो देखिए रूपक का एक बहुत सुंदर वेरिएशन है जो इस गजल में भी लगाया हुआ है। तो बोल है तिन तिन नाना तिन नाना दीदी नाना तिन तिन नाना दीदी नाना दीदी नाना। तो बोल है तिन तिन नाना दीदी नाना दीदी नाना दीदी नाना दीदी नाना। तो ये बोल है तिन तिन नाना दीदी नाना। एक त्रिकट का वेरिएशन भी आप इसमें लगा सकते हैं, देखिए तिन तिन नाना दी दी नाना तिन 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 ता त्रिकट दी दी नाना दी दी तिन ता त्रिकट दी दी नाना दी दी नाना तिन ता त्रिकट दी दी नाना दी दी नाना। तो कुछ वेरिएशन बहुत ही आसान मैं आपको और बजाकर दिखा रहा हूं, देखिए।
आप रूपक ताल के वेरिएशन लगा सकते हैं। तो और ये रूपक ताल ही उसी में यानी कि इस गजल में लगाई हुई है, फासले ऐसे ना होते। तो ये आप पहले शुद्ध रूपक ताल लगाएं और उसके साथ फिर धीरे धीरे छोटे छोटे से वेरिएशन जोड़ते जाएं, जो बहुत ही आसान है। तो ये जो वेरिएशन है बहुत सारे और इनके जो बोल है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, वो आप बजा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसलिए इन वेरिएशन को जो कहरवा के मैंने फर्स्ट गजल में बताए और उसके वेरिएशन बताए और जो रूपक ताल में वेरिएशन बताए, वो डिस्क्रिप्शन में से देखकर आप कॉपी पर लिख लें, फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे जरूर दबा लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप बड़ी आसानी से तबला सीख सकें। कुछ ही महीनों में और कुछ ही सालों में आप बहुत अच्छा तबला बजाएं। तो मेरी जो शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है कि आप बहुत अच्छा तबला बजाएं और बहुत आगे जाएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।